साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज बात करेंगे ओमान से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, जिस कैटेगरी में जिसको सुटेबल होता है, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, कुछ चीज़ें आपको बता भी दूंगा, अच्छा लगे तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू बता दूँ मैं 5/9/2019 यानी 5/9/2019 आज से 5 दिन के 6 दिन के बाद में ये इंटरव्यू रहेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, आगे से क्लाइंट आएगा, जो चीज़ें होंगी सबके सामने होंगी, एग्रीमेंट होगा वगैरह वगैरह, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पूरा देखें, जिस कैटेगरी के लायक हैं, जिस जॉब के लायक हैं, तो उसके हिसाब से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें वैकेंसी है 24, ठीक है, तो मैं शॉर्टली तरीके से थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, नंबर डाल दूंगा, उनसे आप बात कर लीजिए। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू ओमान का रहेगा साथियों, INCO ओमान लॉन्ग जॉब, यानी INCO कंपनी का नाम है। 5/9/2019 का इसका इंटरव्यू रहेगा, बड़ौदा गुजरात के अंदर, 6G FCAW वेल्डर, ठीक है। 130 से 190 इसमें सैलरी रहेगी, जनरल फोरमैन की 250 से 400, ठीक है साथियों, ओमान रियाल इसमें सैलरी रहेगी। ग्रेंडर ऑपरेटर इसमें 110 से 160 रहेगी। इंस्ट्रूमेंट फिटर 120 से 180 की सैलरी रहेगी। इंस्ट्रूमेंट फोरमैन 120 से 180 की सैलरी रहेगी। स्कोप होल्डर TUV 180 से 240 इसमें सैलरी रहेगी। स्टील की इसमें सैलरी रहेगी, फोरमैन जिसको बोलते हैं, 150 से 190 की सैलरी रहेगी। मटेरियल फोरमैन की सैलरी रहेगी 250 से 350। मैकेनिकल फिटर 120 से 170 की सैलरी रहेगी। क्रेन ऑपरेटर GCC लाइसेंस वैलिड है, 250 से 350 इसमें सैलरी रहेगी। फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर GCC लाइसेंस इसमें मांगा है, 150 से 200 इसमें आपकी सैलरी रहेगी। पाइप फिटर 110 से 140 की सैलरी रहेगी। 6G ARG वेल्डर, ARC वेल्डर 130 से 180 की सैलरी रहेगी। पाइप फैब्रिकेटर 120 से 160 की सैलरी रहेगी। 3G ARC वेल्डर 120 से 140 की सैलरी रहेगी। रिगर की सैलरी 90 से 130 रहेगी। रिगिंग फोरमैन 200 से 350 इसमें सैलरी रहेगी। स्कोप होल्डिंग फोरमैन 250 से 400 इसमें सैलरी रहेगी। स्टील इंस्ट्रक्चर की सैलरी रहेगी 110 से 160। स्टील फोरमैन की सैलरी रहेगी 300 से 350। टैंक फैब्रिकेटर की सैलरी इसमें रहेगी 120 से 160। टैंक फिटर की इसमें सैलरी रहेगी 120 से 180। टैंक फोरमैन की सैलरी रहेगी इसमें 250 से 400, ठीक है। वेल्डिंग फोरमैन की सैलरी रहेगी इसमें 250 से 400 सैलरी। तो साथियों ये कुछ वैकेंसीज हैं, जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप हो, मैंने शॉर्टली तरीके से बताया, आप वहाँ पे जाओ, इंटरव्यू दो, दिए गए नंबर पे बात करके इंटरव्यू दे दो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके सामने जो पगार वगैरह होती है, आपको पता ही है भैया, जो इंटरव्यू होती है उसमें तो सामने पगार होती है, ठीक है, अग्रीमेंट यही हो जाता है, अंगूठे लग जाते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो जॉब करते हैं उनको लगभग तो रिटर्न ही आते हैं, तो उनको सब पता होता है, बाकी इंक्वायरी उनसे ले ले, कुछ में GCC मांगी है, कुछ में इंडियन एक्सपीरियंस मांगा है, तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर लें। बाकी सो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उसमें पूरी आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि सही जानकारी, सही मोटिवेशन समय पर आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।